नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है भाषा। हम हिंदी विषय में भाषा के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। किसी भी विषय में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शब्द के अर्थ को ग्रहण करना होता है, और जब तक हम शब्द के अर्थ को ग्रहण नहीं करते, हम उसे ना तो समझा सकते हैं ना बता सकते हैं। भाषा किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, भाषा से आप क्या समझते हैं, ये हमारा प्रश्न है। भाषा क्या है? अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से हम अपनी बात कहने के लिए, दूसरों की बात समझने के लिए, सुनने के लिए जिस व्यवस्था का प्रयोग करते हैं, जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा वास्तव में ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्थित श्रृंखला है जो संप्रेषण का कार्य करती है। भाषा मानवीय संबंधों और मानवीय समाज का केंद्र बिंदु है। हमारा कोई भी कार्य बिना भाषा के संभव नहीं है। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसे हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के संदेशों को ग्रहण करते हैं। भाषा वास्तव में संप्रेषण करने की कला है, समाज में जो विचार विनिमय के लिए प्रयोग की जाती है। हालांकि देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी, पशु पक्षी किसी न किसी ध्वनि को विकसित करता है, संप्रेषण करता है, परंतु जो व्यवस्था मानव ने विकसित की है वह किसी के पास नहीं है, और यही विशेषता मानव को सबसे अलग बनाती है। भाषा शब्दों पर आधारित होती है, शब्द वर्णों पर आधारित होते हैं, वर्ण ध्वनियों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार ध्वनि श्रृंखला की व्यवस्थित प्रणाली ही भाषा कहलाती है। आप देखिए, हिंदी भाषा में वर्णमाला, वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों ही ध्वनियां हैं, एक स्वतंत्र ध्वनि है और एक संयुक्त ध्वनियां हैं, जिनकी मेल से, जिनके मिलने से शब्दों की उत्पत्ति होती है, और ये शब्द प्रतीक के रूप में स्थापित है। एक शब्द लीजिए, एक शब्द है हिंदी में घोड़ा। घोड़े को संस्कृत में अश्व, अंग्रेजी में हॉर्स, चीनी में मा, रूसी में कोन्ने और फ्रेंच में शेवल कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा कि एक ही शब्द को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग ध्वनियों में, अलग प्रतीकों से पुकारा गया है, और यही भाषा की विशेषता है। भाषा अपने आप में विचारों का आदान प्रदान करती है। एक सामान्य सी परिभाषा है, वह माध्यम, वह उपकरण या वह विधि जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक, मानवीय समूह तक, जिस भी माध्यम से अपने संदेशों को, अपने विचारों को पहुंचाता है, प्रसारित करता है, संप्रेषित करता है, भाषा कहलाती है। भाषा ही हमारे जीवन का मूल केंद्र है, मूल बिंदु है, जो हमारे अन्य कार्य को स्थापित करती है। अब आप सभी समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं भाषा के विविध रूपों की। भाषा को कई आधारों पर बांट दिया गया है, भौगोलिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। इसका पहला प्रकार है भौगोलिक या क्षेत्रीयता के आधार पर, जैसे व्यक्ति बोली, स्थानीय बोली, उप बोली, बोली, उपभाषा और भाषा। पहले बात करते हैं व्यक्ति बोली की। व्यक्ति बोली किसे कहते हैं? एक व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और विविध प्रभाव ग्रहण करता है, और ये विविध प्रभाव उसकी भाषा को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट शैली होती है बात करने की, और इसी स्थिति को, इसी शैली को व्यक्ति बोली कहा जाता है। स्थानीय बोली किसे कहते हैं? बहुत सारी व्यक्ति बोलियां मिलकर एक स्थानीय बोली का निर्माण करते हैं, इसमें ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ और स्तर के आधार पर बोधगम्यता होती है, और ये बहुत ही छोटे स्तर पर बोली जाती है, स्थानीय बोली कहलाती है। उप बोली किसे कहते हैं? एक से अधिक स्थानीय बोलियां मिलकर एक उप बोली का निर्माण करती हैं, जैसे भोजपुरी के अंदर कई उप बोलियां हैं, जैसे छपरिया, खकार,
सहवारी, गोरखपुरी, नागपुरिया आदि। बोली किसे कहते हैं? बहुत सारी छोटी छोटी उपबोलियाँ मिलकर एक बोली का निर्माण करती हैं। बोली को विभाषा भी कहा जाता है। जैसे बिहारी बोली है और बिहारी में कई बोलियाँ हैं, जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि। उपभाषा किसे कहते हैं? बोलियों का वह सामूहिक समूह जो पहचान दिलाता है, उपभाषा कहलाता है। जैसे हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएँ हैं और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं। जैसे बिहारी वर्ग उपभाषा कहलाएगा। इस बिहारी वर्ग के अंदर भोजपुरी, मैथिली, मगही बोलियां हैं। इस प्रकार बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हिंदी भाषा के उपभाषा वर्ग कहलाते हैं। अब भाषा किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जिसमें बहुत सारी बोलियां उपभाषाएं मिलकर बनाती हैं। एक भाषा के अंतर्गत एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं। हिंदी को ले लीजिए, हिंदी एक भाषा है। इस भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। प्रयोग के आधार पर भाषा, प्रयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न रूप मिलते हैं। जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, व्यावसायिक भाषा, कार्यालय भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, गुप्त भाषा, मृत भाषा। आइए समझते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा। भाषा का वह रूप जो समाज में सामान्य रूप से हर रोज़ प्रयोग किया जाता है, जो बोलचाल में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, इसे हम बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा। साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषा भाषा का आदर्श रूप है, जिसका प्रयोग साहित्य रचना में, शिक्षा में होता है। यह भाषा परिनिष्ठित होती है, व्याकरणिक होती है, जो व्याकरण के नियमों पर चलती है, मानक होती है। व्यावसायिक भाषा, भाषा का वह रूप जो व्यापार वाणिज्य में प्रयोग किया जाता है। यह प्राय औपचारिक, अनौपचारिक, तकनीकी, अर्ध तकनीकी होता है और यह लिखित और मौखिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। कार्यालय भाषा, भाषा का वह रूप जिसे विशेष रूप से कार्यालयों में, कंपनियों में, प्रशासन आदि में किया जाता है। राजभाषा, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, राजकाज की भाषा, वह भाषा जो सरकार और जनता के बीच में प्रयोग की जाती है। यह प्रतिष्ठित होती है, मानक होती है और देश में जितने मंत्रालय हैं, जितने सरकारी कार्यालय हैं, उसमें ये प्रयोग की जाती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है पूरे राष्ट्र की भाषा, जिसका अर्थ है कि पूरे राष्ट्र के लोग उसे ग्रहण करते हैं, समझते हैं। यह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इन सब को प्रस्तुत करती है। वास्तव में राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीय चेतना से होता है और राष्ट्रीय चेतना सभी लोगों से कहीं ना कहीं जाकर जुड़ती है। गुप्त भाषा, भाषा का वह विशेष रूप जिसे कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं, जो इसके जानकार हैं। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो इस भाषा को जानते हैं, अन्य लोग सक्षम नहीं होते हैं। इसे कोड लैंग्वेज या कूट भाषा भी कहा जाता है। फिर है मृत भाषा, भाषा का वह रूप जो पहले कभी जीवित था, जिसका अपना साहित्य भंडार था, परंतु अब उसका प्रयोग ना के बराबर है और बहुत ही सीमित है, इसको ही मृत भाषा कहा गया है। एक और प्रश्न बनता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, आंगिक भाषा और संचार। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह प्रथम रूप जिसे आप ग्रहण करते हैं, जिसके लिए आप किसी विद्यालय में नहीं जाना पड़ता है, जो आपके लिए सबसे सरल है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यह भाषा का प्रथम रूप है, मौखिक रूप। इसे सीखने के लिए किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ता है। यह रूप आप अपने परिवार से, अपने माता पिता से स्वतः ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हिंदी हम सब की मौखिक भाषा है, हमारी प्रथम भाषा है।
नंबर दो है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें हम प्रतीक चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लिखित भाषा का शाब्दिक अर्थ हुआ भाषा को प्रतीकों के माध्यम से अंकित करके ग्रहण करना। इसे सीखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, लिपि चिन्हों को सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अब जो हम बोल रहे हैं वो तो मौखिक रूप हो गया, परंतु जो हम साहित्य में लिख कर प्रिंट करके जिसे हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, भाषा का लिखित रूप है। सांकेतिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसे हम अलग अलग चिन्हों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, सिंबल के द्वारा व्यक्त करके संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक हॉर्न छपा है, हॉर्न के ऊपर क्रॉस का निशान है, इसका मतलब है हॉर्न मत बजाइए। एक यू टर्न बना हुआ है, उसके ऊपर क्रॉस का निशान है, इसका मतलब है यू टर्न अलाउड नहीं है। इस प्रकार जो जो संदेश आपको किसी चित्र के माध्यम से, संकेत के माध्यम से मिलते हैं, उसे बोलते हैं हम सांकेतिक भाषा। जैसे आप किसी स्कूल में गए, वहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, एक सिगरेट छपी है, उसके ऊपर क्रॉस का निशान, मतलब यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, नो स्मोकिंग जोन है ये। इस भाषा को हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। एक है आपका आंगिक भाषा किसे कहते हैं? आंगिक भाषा क्या होती है? जब आप अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करके दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं आंगिक भाषा। जैसे हाथ से इशारे करना, हाथ हिलाना, आँख दिखाना, हाथ हिलाकर मना करना, किसी चीज़ का अंगों से इशारा करना, क्या है ये? आंगिक भाषा है। फिर है आपका संचार। संचार व्यापक है, विस्तृत विविधताओं से भरा हुआ है। आज हम आधुनिक युग में हैं, आपका प्रिंट मीडिया, आपका इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और आपके जितने भी वे विषय हैं जहाँ से आपको संदेश प्राप्त होते हैं, आप संदेश पर भेजते हैं, मतलब कंप्लीट जो विषय है जहाँ से भी आपको कोई संदेश मिलता है या उस माध्यम से आप दूसरों को संदेश पहुँचाते हैं, उसे बोलते हैं संचार। रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट, ये सब किस में आता है? संचार में। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप क्या हैं, भाषा कितने प्रकार की, ये छोटा सा मैंने आपको बताया है। इसको आप अगर सुनेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप समझ सकते हैं कि भाषा क्या है। धन्यवाद।